अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय द्वारा निगम अधिकारी की पिटाई करने के बाद जेल जाने के मामले में आकाश के पिता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आकाश और निगम आयुक्त दोनों ही कच्चे खिलाड़ी हैं, दोनों ने ही गलत ढंग से मामले को निपटाने की कोशिश की है। अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए और दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दोनों पक्षों ने गलत तरीके से काम किया और जो मुद्दा बड़ा नहीं था उसे बड़ा बना दिया गया। मैं भी महापौर, विधायक और मंत्री रहा हूँ, बारिश में किसी के मकान नहीं तोड़े जाते हैं और अगर तोड़े भी जाते हैं तो लोगों को रहने की व्यवस्था की जाती है। निगम अफसरों ने गलत ढंग से काम किया और कार्रवाई के दौरान वहां पर महिला अफसर और पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। एक सवाल के जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि कमलनाथ सरकार बदले की भावना में काम कर रही है। वहीं आकाश विजयवर्गीय जर्जर मकानों की सूची तैयार करने में जो घोटाला हुआ है उसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। आकाश के इस बयान पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आकाश बड़े नेता के बेटे हैं, वो चाहें तो दिल्ली की सीबीआई में जांच करवा सकते हैं और अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अगर निर्दोष निकला तो पिता पुत्र दोनों को राजनीति छोड़नी पड़ेगी। मंत्री नहीं, नगर निगम अफसर को बल्ला मारने को एक साजिश बताया जिससे कि वो चर्चा में बने रहें। और भी मुद्दों पर बात की लेकिन फिलहाल सबसे गर्म मुद्दा बल्ला कांड ही बना हुआ है। मुझे लगता है नगर निगम के द्वारा भी और आकाश जी के द्वारा भी दोनों कच्चे खिलाड़ी हैं। पहली बात तो ये कि जनप्रतिनिधि का फोन आए तो अधिकारियों को सुनना चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा मेरा इतने 30-40 साल का अनुभव है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में टकराहट इसलिए होती है कि वो फोन पर रिस्पांस नहीं देंगे, मिलेंगे नहीं और इसी कारण टकराव होती है। आने के बाद जो मेरे को भी जानकारी मिली वो इसी प्रकार की थी कि अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया, पहले कह दिया था कि हम गैंग नहीं भेजेंगे, इसको टाला जा सकता, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इस बात की हम सबको चिंता करना चाहिए। मैंने आकाश जी से भी कहा है और नगर निगम के अधिकारियों को भी बोलूंगा, इससे इंदौर की प्रतिष्ठा सारे देश में खराब होगी। मुझे लगता है कि इसमें एक टेक्निकल जो मुझे गलती दिखती है, मैं पार्षद रहा, मेयर रहा, इस विभाग का मंत्री भी रहा, साधारणतः मानसून के दौरान हम लोग एक सर्कुलर निकाल देते हैं कि कोई भी रहवासी क्षेत्र का तोड़फोड़ नहीं हो, पर यदि कोई जरूरी हो तोड़फोड़ करना तो नगर निगम को भी वैकल्पिक स्थान जिसका मकान हम तोड़ रहे हैं उसको देना चाहिए। मैं समझता हूँ शायद इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, वो भी नए नए हैं, इस विभाग के मंत्री भी नए नए हैं, शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि मानसून में इस प्रकार के आवासीय मकानों को तोड़ा नहीं जाता है। यदि तोड़ना हो, बहुत ही आवश्यक हो, तो उस वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक स्थान फॉर टाइम बीइंग नगर निगम की ओर से करना चाहिए। ये एक सामान्य परंपरा रही है नगर निगम की ओर से, पर मानसून में दो तोड़ा गया, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।